हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सागर और आप देख रहे हैं ऑल एग्जाम्स हब चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं उत्तर प्रदेश के एक इंस्टीट्यूट से टीचिंग और नॉन टीचिंग वैकेंसीज़। यहाँ पर दोस्तों आपके लिए असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर की वैकेंसीज़ हैं। साथ ही इसके अलावा कुछ नॉन टीचिंग वैकेंसीज़ हैं जिसमें आप एप्लीकेशन कर सकते हैं। और ये है आपके सामने राजकुमार गोयल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, यहाँ से वैकेंसीज़ हैं आपके पास एप्लीकेशन कर लिए। आपके पास एप्लीकेशन करने के लिए अभी काफ़ी समय है और आपको हम बताएंगे कि एप्लीकेशन कैसे करना है, एप्लीकेशन फॉर्म को भरना कैसे है और वैकेंसीज़ कहाँ के लिए अवेलेबल हैं, कौन कौन सी पोस्ट के लिए अवेलेबल हैं, सब कुछ हम आपको डिटेल में बताएंगे। तो चलिए बिना देर के स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। ओके, तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं, यहाँ पर जब इस वेबसाइट पर विजिट करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे, देखिए सामने आपके आ रहा है वेलकम टू RKGIT। इसमें आपको मिलेगा अप्लाई फॉर वेरियस टीचिंग एंड नॉन टीचिंग पोस्ट एज RKGIT गाजियाबाद। तो इसको जब आप ओपन करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का एक पेज ओपन हो जाएगा। इसका हम डायरेक्ट लिंक आपको प्रोवाइड कर देंगे जिससे कि आपको कोई दिक्कत ना हो, आप डायरेक्टली इसको जा करके विजिट कर सकते हैं। और इसका जो है नोटिफिकेशन आप कह सकते हैं इसको, ये आपको हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल दोनों ही जगह पर मिल जाएगा। तो ये आपका दोस्तों जो है ये अप्रूव्ड बाय AICTE है और यहाँ पर ये डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम और CCS यूनिवर्सिटी मेरठ UP से आपका एफिलिएटेड है। ठीक, यहाँ पर आपके लिए प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर एंड असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसीज हैं जिसमें कि डिपार्टमेंट्स आप देख सकते हैं CSE, AIML, DS, IoT, CSIT, ECE, EEE, CE, ME, ई एंड सी ई, बी फार्मा, डी फार्मा, MBA, BBA, MCA एंड BCA, इन सभी में वैकेंसीज अवेलेबल हैं। इसके बाद है आपका AS&H में, यहाँ पर आपको फिजिक्स, मैथ्स, केमिस्ट्री एंड इंग्लिश सब्जेक्ट्स के लिए भी इन्हें वैकेंसीज यहाँ पर अवेलेबल हैं, यानी कि इन्हें इसकी ज़रूरत है। इनवाइट्स एप्लीकेशन फॉर प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर एंड असिस्टेंट प्रोफेसर, तीनों ही पोस्ट पर सभी सब्जेक्ट्स में वैकेंसीज अवेलेबल हैं, इस चीज़ का बहुत ध्यान रखिएगा। देन यहाँ पर है क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस एज आपका रहेगा AICTE, PCI और UGC नॉर्म्स के अकॉर्डिंग। UGC नॉर्म्स के अकॉर्डिंग इसलिए रहेगा क्योंकि यहाँ पर आपके लिए इंग्लिश सब्जेक्ट अवेलेबल है। ठीक है, तो ये आपका UGC के अंडर में आता है और भी कोई कई सब्जेक्ट्स हैं जो आपको UGC के अंडर में देखने को मिल जाएंगे। देन यहाँ पे लिखा हुआ है कि एडिशनल इंक्रीमेंट्स फॉर आउटस्टैंडिंग कैंडिडेट्स। देन इसके बाद है आपका ऑल्सो रिक्वायर्ड में आपको यहाँ पर नॉन टीचिंग पोजीशंस मिल जाएंगी जैसे कि ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट ऑफिसर, ट्रेनर्स डोमेन, देन है लैब इंस्ट्रक्टर, मेडिकल ऑफिसर, स्पोर्ट्स ऑफिसर, लाइब्रेरी स्टाफ और वार्डन्स की इन्हें ज़रूरत है, मेल और फीमेल दोनों ही चाहिए एंड एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ की इन्हें ज़रूरत है। और आपको एप्लीकेशन कैसे करना है, प्लीज़ अप्लाई ऑनलाइन इन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म ओनली, जो आपको एक प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म दिया गया है उसके थ्रू आपको एप्लीकेशन करना होगा। 21 मार्च तक आप यहाँ पर एप्लीकेशन कर सकते हैं। ठीक है, एड्रेस आपके सामने है 5 किलोमीटर स्टोन दिल्ली मेरठ रोड गाजियाबाद, और फ़ोन नंबर आपके सामने हैं। अगर आपको फ़ोन नंबर नहीं शो हो रहे हैं तो आप जाकर के इसका नोटिफिकेशन डायरेक्टली हमारे टेलीग्राम चैनल या फिर व्हाट्सअप चैनल से जाकर के डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ पर आपको ये पूरा नोटिफिकेशन एकदम क्लियरली शो हो जाएगा। एप्लीकेशन कैसे करना है, एप्लीकेशन करने के लिए इसी पेज पर आपको ऊपर अप्लाई ऑनलाइन का देखिए, यहाँ पर ये एक बटन है, ये ब्लिंक कर रहा है, इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक गूगल फॉर्म ओपन हो जाएगा। गूगल फॉर्म के थ्रू यहाँ पर ये एप्लीकेशन ले रहे हैं और यहाँ पर सबसे पहले आपको सेलेक्ट करना होगा कि किस पोस्ट के लिए आप एप्लीकेशन कर रहे हैं, यहाँ पर टीचिंग या फिर नॉन टीचिंग। तो मान लीजिए हम टीचिंग सेलेक्ट कर लेते हैं। टीचिंग सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर पोस्ट अप्लाइड फॉर, किस पोस्ट के लिए एप्लीकेशन कर रहे हैं, प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर। तो मान लीजिए हम असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए कर रहे हैं तो हमने इस पर टिक कर लिया। डिपार्टमेंट हमसे पूछ रहा है, यहाँ पर जिस डिपार्टमेंट में वैकेंसी अवेलेबल है वही आपको शो हो रही है। तो यहाँ पर मान लीजिए हमने BCA सेलेक्ट कर लिया। देन यहाँ पर आपको अपना नेम डालना है, ब्रैकेट में लिखा हुआ है कैपिटल, तो कैपिटल लेटर्स में ही आपको फुल नेम टाइप करना है अपना। देन फादर्स नेम आपको टाइप करना है। देन जेंडर यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पर आपको डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करनी है। ठीक, उसके बाद यहाँ पर आपको पैन नंबर डालना है, आधार नंबर आपको डालना है और ये सारी चीज़ें एकदम रिक्वायर्ड हैं, यानी कि मैंडेटरी हैं। यहाँ पर रेड स्टार लगा हुआ है, अगर ये रेड स्टार लगा हुआ है इसका मतलब है कि ये चीज़ आपको फिल करनी ही करनी है, आप इसको जो है ब्लैंक नहीं छोड़ सकते। तो पैन नंबर, आधार नंबर ये फिल करेंगे। इसके बाद आपको यहाँ पर कैटेगरी सेलेक्ट करनी है आपकी जो भी है। देन आपका रेजिडेंशियल एड्रेस, टेलीफोन नंबर, मोबाइल नंबर, इतना फिल करने के बाद आपको यहाँ पर नेक्स्ट का बटन दिखाई देगा। तो यानी कि काफ़ी लेंथी फॉर्म है, ये हो सकता है 3, 4 या 5 स्टेप में भी ये फॉर्म हो सकता है। जब आप नेक्स्ट करेंगे तो आपसे हो सकता है आपकी क्वालिफिकेशन, आपकी डॉक्यूमेंट्स अपलोड के लिए सारी चीज़ें आपसे इसमें मांगी जाएं। तो सिंपल है, गूगल फॉर्म है, गूगल फॉर्म भरना कुछ भी टफ नहीं होता है। तो जैसे जैसे आप नेक्स्ट करते जाएंगे, जो जो चीज़ें आपसे पूछी जाएं बस आप उनको फिल करते चले जाइए। अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो हमसे बात कर लीजिए टेलीग्राम, इंस्टाग्राम या फिर यूट्यूब के थ्रू। तो आई होप आपको वैकेंसी पसंद आई होगी। जो भी लोग इंटरेस्टेड हैं एप्लीकेशन करिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ में,
मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड जय हिंद।